नमस्ते, आप सबका वेलकम है सिमरन की रसोई में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही इतनी मज़ेदार वाली चटनी जो रोटी, पराठे, चावल सभी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है और बनाने में भी आसान है। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दिया और इसमें मैं डाल रही 1 चम्मच तेल। जैसे ही गर्म हो जाए तो 1/4 चम्मच जीरा डालकर 2 बारीक कटे हुए प्याज और 2 बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देनी है और इसे 1 मिनट तक भूनना है। उसके बाद 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट, आप अदरक और लहसुन को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, पर आजकल पेस्ट सभी के घर पर होती है तो वो डाल देना। 1 मिनट तक भून लेना ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद 2 से 3 टमाटर को काट कर मिक्सर में डालकर पीस लेना, तो पीसे हुए टमाटर भी डाल देने। स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है, जब तक ये मसाले तेल ना छोड़ दे। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दे और ये मज़ेदार सी लहसुन की चटनी बनकर तैयार है, जिसे आप रोटी, पराठे, चावल, पकौड़े वगैरह के साथ ले सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ या खिचड़ी के साथ। तो ज़रूर ट्राई करना और यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना आ जाए। थैंक यू।